सुन रहे हैं दास्तान खौफ अनूप के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी दास्तान खौफ में। रहस्यमय और हॉन्टेड हिंदी पॉडकास्ट के सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। दूसरी कहानी को जिस तरह आप लोगों ने पसंद किया, हमें बेहद खुशी हुई। आशा करते हैं ये कहानी भी आप सभी को अच्छी लगेगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ सबसे पहले आप सुन सकें। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारे भारत में बहुत सारी प्राचीन चीज़ें तथा जगहें हैं जो आज तक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। जिसने उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, या तो वो इस दुनिया से विदा ले लिया या पागल हो गया। आप सभी यकीन नहीं करेंगे, मगर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो सदियों से चलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य अपने आने वाले पीढ़ियों को अपनी शक्तियाँ या रहस्यमयी काले जादू को सिखाते चले आ रहे हैं। क्या आप काले जादू टोना में विश्वास करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग आज भी काले जादू टोना का उपयोग करते हैं, वह भी प्राचीन विधि विधानों के साथ। यह कहानी मायोंग जगह की है जो कि आसाम में स्थित है। यहाँ काला जादू बुरी चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, मगर यह जगह अच्छे जादू के लिए भी जानी जाती है। जिनकी कहानी है ये उस जगह की सत्यता जानने के लिए उस जगह तक पहुँच जाते हैं। तीनों दोस्तों का उस जगह पर जाना सही था या नहीं, यह तो आप सुनकर ही बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए विनोद की कहानी को मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हाल ही में मैंने ग्रेजुएशन पूरी की है और अब मैं दिल्ली में एक बड़े कॉलेज से पीजी करने आया हूँ। क्योंकि मैं ठहरा हिस्ट्री सब्जेक्ट वाला, इसलिए हर कोई ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में मुझसे ही आकर पूछते। अपने ही गांव से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि नया शहर था और हमेशा से गांव की आदत रही थी, इसलिए जैसे तैसे करके अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या काट रहा था। शुरू के दिन तो ऐसे ही निकल गए, मगर धीरे धीरे करके कक्षा में जो दो लोग हमेशा आगे वाले सीट पर बैठते थे, वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती इस प्रकार हुई कि उनकी और मेरी रुचि लगभग एक जैसी ही थी। उन लोगों को भी नई नई ऐतिहासिक चीज़ें और जगहों के बारे में जानना बहुत पसंद था और मुझे भी। उनमें से एक का नाम मिहिर था, जो कि मेरे ही जिले का रहने वाला था, और दूसरे का नाम विभोर, जो उत्तराखंड का रहने वाला था। हम तीनों हर दिन साथ में ही कॉलेज जाया करते और पढ़ाई, खेल कूद तथा खाना भी सब कुछ साथ में ही करते। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के विद्यार्थी थे और ग्रेजुएशन कर चुके थे, इसलिए हम लोगों को बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हो चुका था। मगर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती ना, इसलिए अभी भी ऐसी कई चीज़ें वह जगह थे जिसके बारे में जानना बाकी था। मिहिर और विभोर से पक्की दोस्ती होने के बाद हम हर महीने कॉलेज की छुट्टी करके ऐसी ही अलग अलग रहस्यमयी जगहों की ऐतिहासिक और रोमांचित चीज़ें खोजने जाते और वहाँ के लोगों से उस जगह का पूरा इतिहास भी जानते। इस बार परीक्षा होने के चलते हम पूरा एक महीना कहीं भी नहीं जा पाए, मगर जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तो उसके अगले ही दिन मिहिर और विभोर दोनों मेरे रूम पर आ गए और हम लोग लगे प्लान बनाने। मैंने निराशा भाव से अपने दोनों दोस्तों से कहा, यार दोस्तों,
इस बार परीक्षा चलते हम लोग पिछले महीने तो कहीं नहीं जा पाए, मगर इस बार चलते हैं यार। वैसे तुम दोनों में से किसी ने कोई जगह ढूंढी क्या? मेरी बात सुनकर विभोर एकदम उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ मैंने एक जगह ढूंढी है, मयोंग, जो कि आसाम में स्थित है। ऐसा कहा गया है कि उस गांव के जितने भी लोग हैं वे सिर्फ तंत्र मंत्र और काला जादू ही करते हैं। तभी मैं इस बात पर आश्चर्य जताते हुए पूछा, क्या बात कर रहा है भाई विभोर, आज के मॉडर्न जमाने में यह काला जादू भला कौन करता है? और मतलब सचमुच काला जादू जैसी चीजें असल में होती भी हैं? क्योंकि मैंने तो आज तक सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखा है। मेरी बात को सही मानते हुए मिहिर भी बोला, हाँ भाई यार विनोद एकदम सही बोल रहा है, चल एक बार के लिए मान लेते हैं कि काला जादू आज के जमाने में भी होता है, लेकिन ये एक पूरा गांव सिर्फ यही करता है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही यार। हम दोनों की बात सुनने के बाद विभोर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह हम दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे ही थोड़ी मैंने ज्ञानी लोगों से दोस्ती कर ली। अरे यार तुम लोगों को कितने सवाल आते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ CID चल रहा हो, क्या ही बोलो तुम लोगों को। यार मुझे भी यह रहस्य जानना है, तभी तो बताई तुम लोगों को, वहाँ जाकर ही सब कुछ पता चलेगा। बोलो तुम लोग चलने के लिए तैयार हो? विभोर की ऐसी बातें सुनकर हम दोनों उसे घूरते हुए देखने लगे और बोले, तेरी मजाक की आदत कभी नहीं जाएगी ना, खैर हम लोग तैयार है उस जगह पर जाने के लिए। लेकिन यार या तो बता कि तुझे उस जगह का मालूम कैसे चला? विभोर हमारी बात सुनकर बोला, अरे क्या हुआ ना कि अभी अपनी परीक्षा के एक सप्ताह पहले मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मैंने उस वक्त सोचा कि क्यों ना अगली जगह की ही खोज कर ली जाए। फिर खोजने पर मुझे ये जगह थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि इसके बारे में ना के बराबर जानकारी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पूरी जानकारी हम लोग ही ले आएंगे वहाँ जाकर। बस अभी तुम लोग को उस जगह के बारे में जितना मैंने पढ़ा सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर मैंने उसे शाबाशी देते हुए कहा, भाई तूने बहुत सही काम किया, मैं क्या बोलता हूँ आज भर हम सभी अपने अपने रूम चलकर पैकिंग कर लेते हैं और कल सुबह ही मेरे रूम पर तुम दोनों आ जाना, यहीं से निकल जाएंगे ट्रेन का टिकट लेकर। मेरी बात सुनकर दोनों इस बात पर हामी भरी और फिर कुछ नाश्ता करके वे दोनों अपने अपने घर पैकिंग करने के लिए निकल गए। यहाँ मैं भी अपना सामान जमाने लगा। कुछ ही देर में मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें पैक कर ली और रात का खाना खाकर सो गया। सुबह मेरी नींद दरवाजे की दस्तक से खुली, तभी मैं झट से उठकर आंखें मलता मलता दरवाज़ा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे दोस्त वहाँ खड़े हैं और एकदम टिप टॉप हो गए। तभी मिहिर मुझे झकझोरते हुए बोला, ओ स्लीपिंग ब्यूटी उठ जा भाई, विभोर इसका हमेशा का यही है, हर बार जब भी कहीं जाना होता है ना तो यह जनाब हमेशा ही लेट करते हैं, चल चल जल्दी सब काम कर। घोड़ा कहीं का मतलब खड़े खड़े सोने लगा, एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं देश में। मिहिर के ऐसे वचन सुनकर विभोर चिढ़ते हुए बोला, यार भाई तू एक दिन बहुत ही अच्छा बाप बनेगा, अच्छे से संभाल लेगा अपने बच्चों को। इस बात पर मिहिर ने विभोर के सर पर एक टपली मारी और बोला, अबे तू रुक बताता हूँ तुझे। ऐसा बोल वे दोनों रूम में इधर उधर भाग दौड़ करने लगे और मैं इतनी देर में ही सारा काम करके उनके सामने एकदम तैयार होकर खड़ा हो गया। अरे भाई मैं तैयार हो गया, चलो जल्दी वरना ट्रेन छूट जाएगी। मेरी बात सुनते ही वे दोनों लड़ना बंद कर दिए और फिर हम लोग दरवाज़ा बंद करके एक रिक्शा लिए और निकल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने जल्दी से टिकट लिया और झट से सामने खड़ी हुई ट्रेन में बैठ गए। भगवान की दया से आज ट्रेन थोड़ी खाली ही जा रही थी, इसलिए सीट मिल गई। लगभग 2 दिन की यात्रा के बाद हम लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फिर वहां से बस पकड़कर लगभग 1.5 घंटे में मयूंग गांव पहुंच गए। वहां से कुछ ही दूरी पर होटल थी, उधर ही हम लोगों ने एक रूम ले लिया और थके होने के कारण हम लोगों ने तय किया कि
आज भर आराम कर लेते हैं और कल निकल पड़ेंगे मायूंग को घूमने। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अपने बिस्तर पर ही सिर्फ अच्छी नींद आती है, किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं, क्योंकि पूरा दिन आराम कर लिए थे और रात के वक्त इस बिस्तर पर नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मायूंग गांव की सैर पर ही निकल जाऊं। बस यह चीज़ मैंने सोची और जैसे ही कमरे के बाहर निकलने लगा, वैसे ही अचानक मिहिर ने मुझे रोक लिया और पूछने लगा, भाई विनोद कहाँ चल दिया, सब ठीक है ना? मिहिर की आवाज़ सुनकर विभोर भी नींद से जाग गया। अब दोनों मेरे सामने बुत बनकर खड़े हो गए। तभी मैंने कहा, अरे मुझे क्या होगा भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, बस अपनी रूम के अलावा कहीं और सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही, तो सोचा थोड़ा टहल कर मायूंग की सैर ही कर लेता हूँ। तभी विभोर राहत की सांस लेते हुए बोला, क्या यार भाई, तू भी ना डरा ही देता है, चल अब तू जा ही रहा है तो हम लोग भी तेरे साथ चलते हैं, वैसे भी आराम करके कमर दुख गई है, चल थोड़ी पीठ सीधी कर लेते हैं। इतना कहकर वे दोनों भी मेरे साथ हो लिए। हम तीनों पैदल ही मायूंग गांव की तरफ निकल गए। गांव के पास पहुंचते ही हमने देखा मायूंग गांव रात के अंधेरे में एक अलग ही रहस्य बनाए हुए था। गांव के अंदर जाते ही हमें एक मध्यम उम्र के इंसान ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं आप सभी, पर्यटक हैं क्या? उनकी बात सुनकर मैंने बड़े ही सम्मानजनक भाषा में उनको उत्तर दिया, जी हाँ हम दिल्ली से आए हैं और इस जगह को घूमने और हमारे विषय से संबंधित इस जगह के बारे में जानने। वह इंसान हमारी बातों में रुचि दिखाते हुए बोला, अच्छा अच्छा आपको हमारे मायूंग गांव के बारे में जानना है, मगर साहब रात के समय ये जगह उन लोगों की होती है जो बुरा जादू करते हैं, अगर अच्छा जादू देखना है तो कल सुबह में आइएगा। उनकी बात सुनकर मिहिर एकदम उत्साहित होकर बोला, क्या मतलब है आपका, ज़रा विस्तार में बता सकते हैं? मिहिर की बातों में वह इंसान हामी भरते हुए बोला, जी साहब बताता हूँ, इस गांव में जादू टोना टोना टोटका तो महाभारत के युग से कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जब भी कोई एक पीढ़ी जाती है तो वह आने वाली पीढ़ी को सब कुछ सिखा कर जाती है एकदम हू बहू। यहाँ हम लोग बहुत से जादू टोने करते हैं, जैसे जादू से किसी की बीमारी ठीक करना, जिसे गायब करके हवा में उड़ाते हुए दिखाना, इंसानों को भी गायब कर देना, हाथ पढ़ना तथा एकदम सटीक भविष्यवाणी करना, किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेना और सबसे खराब इंसानों की बलि चढ़ाना। पिछले कुछ सालों से बलि चढ़ाने का काम बंद है, क्योंकि बलि चढ़ाने के साक्ष्य आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने खोज लिए थे, उन्हें इंसान को मारने वाले ढेर सारे हथियार भी मिले थे। मैं तो कहता हूँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत नेक काम किया है, वरना यहाँ जो लोग बुरे काम करते हैं वो किसी को बताते नहीं, चुपके से आड़ में कहीं छुप कर ये सभी काम करते हैं। इस व्यक्ति की ऐसी बातें सुन हम दोनों आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, लेकिन विभोर के चेहरे पे कोई आश्चर्य के भाव नहीं थे। इस असमंजस की स्थिति की शांति को भंग करते हुए वो इंसान बोला, साहब रात में यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ से उस लाल बोर्ड के बाद सब काम गलत ही होते हैं, अगर आप सिर्फ टहलने के उद्देश्य से आए हैं तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप उस लाल बोर्ड के पार अभी रात में बिल्कुल ना जाएं। इसी कारण से यह जगह पर्यटकों के लिए एक समय सीमा तक ही खुला रहता है, उसके बाद हम में से भी कुछ लोग उस लाल बोर्ड के पार नहीं जाते। इतना कहकर वह इंसान ने हमें नमस्ते किया और वहाँ से अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद विभोर बोला, भाइयों माना मैंने उस इंसान ने हर एक चीज़ बहुत बखूबी से समझाई है, मगर सिर्फ इतना ही जानना था तो हम गूगल पे ही पढ़ लेते, उसके लिए इतना दूर पूरा लगभग 2 दिन बर्बाद करके तो नहीं आते ना, हम लोग यहाँ आए ही इसलिए है ना कि छोटी सी छोटी जानकारी को भी ना छोड़े।
इसलिए मेरे ख्याल से हमें उस लाल बोर्ड के पार चलकर एक बार देखना चाहिए। विभोर की बात सुन मिहिर तो उससे सहमति दिखाने लगा, मगर मेरा मन अब भी वहां जाने से डर रहा था। तभी मिहिर ने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, अरे विनोद कहाँ खो गया तू? क्या सोच रहा है? क्या तुझे वहां जाने में डर लग रहा? मिहिर की बात सुन मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इन लोगों को यह बताऊंगा कि डर लग रहा है तो हंसी का पात्र बन जाऊंगा, और तो और पूरी जिंदगी यह लोग मुझे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाएंगे। इसलिए मैंने कहा, अरे नहीं भाई, डरे मेरे दुश्मन, मैं भी यही सोच रहा था कि हमें वहाँ चलकर एक बार देखना चाहिए। बस फिर क्या था, हम सभी उस लाल बोट के पार जाने लगे। कुछ दूरी पर आगे बढ़ने के बाद हमें एक अजीब सी दुर्गंध आई। तभी हमारी नज़र दूर एक चीज पर पड़ी तो हम सभी फौरन वहाँ जाकर देखने लगे। उधर जाकर जो कुछ भी हमने देखा उसके बाद हमारे हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए। हमने देखा कि किसी का सिर धड़े से अलग करके कूड़े के ढेर में फेंका गया है, जिसमें से अजीब दुर्गंध आ रही और उस पर मक्खियाँ भी भिनभिना रही है। अभी हम लोग कुछ कहते कि तभी किसी ने अचानक मेरे पीठ पर थपथपाया। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक लंबे कद का इंसान खड़ा था। रंग काला तथा दिखने में उसकी शक्ल बहुत भयानक थी और जगह जगह उसके पूरे शरीर पर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई थी। वह इंसान हम सभी पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, कौन हो आप सभी और इस लाश के पास क्या कर रहे हो? यह बात सुनते ही मैं बोल पड़ा, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे, हम पर्यटक हैं और दिल्ली से आए हैं यहाँ पर घूमने, बस इधर आ गए तथा थोड़ी दूर चलने पर हमको ये दुर्गंध आई, इसलिए यहाँ पर चलकर देखने आ गए। हम बस यहाँ से जा ही रहे, चलो भाइयों निकलते हैं यहाँ से। हमारी बात सुनकर वो काला इंसान गुस्सा से गुर्राते हुए कहा, एक मिनट रुको तुम सब। उसकी भयानक और कर्कश आवाज़ सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मेरे सीने के अंदर बेचारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस शांत वातावरण में मेरे दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी हम लोग कुछ बोलते उससे पहले वो व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया और बोला, चलो अंदर चलो मेरे साथ। तभी मिहिर हाथ झटकते हुए बोला, नहीं हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग अभी अपने होटल जाएंगे। मिहिर ने ऐसा बोलकर हिम्मत वाला काम किया था या बेवकूफ़ी वाला? क्योंकि मिहिर के ऐसा बोलने के बाद ही वह इंसान बहुत गुस्से में आ गया और पता नहीं अजीब भाषा में कोई मंत्र बोला। देखते ही देखते पता नहीं कैसे अपने आप हम सभी के हाथों में एक रस्सी से उलझते चले गए। वो हम लोगों को रस्सी के सहारे खींचते हुए ले जा रहा था। हम तीन और वो इंसान अकेला। इतना ताकत मैंने आज तक किसी इंसान के अंदर नहीं देखा था। उस इंसान के मुकाबले हम तीनों की ताकत बेअसर हो रही थी। ना चाहते हुए भी हम लोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। वो हमें एक घर के पास में ले गया जिसके दरवाजे पे अजीब तरह से लाल रंग और काले रंग के धागे बंधे हुए थे। फिर से वो मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाया। पैंतरा पढ़ते से ही वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम सभी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो हमें खींचते हुए अंदर लेकर गया। जैसे ही हम लोग उस दरवाजे के अंदर घुसे तो जो दृश्य देखा वो देखकर हमारी सांस ही अटक गई। हमने देखा कि वहाँ बहुत सी काली परछाई जैसी चारों ओर हवा में इधर उधर घूम रही है। यह देख हम सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए और डर के मारे एक ही जगह पे बर्फ की तरह जम गए। हमें ऐसे खड़ा देख वो इंसान जोर से चिल्लाया, चलो अंदर, वहाँ खड़े मत रहो, चलो। वह इंसान की आवाज़ सुनकर हम जल्दी जल्दी अंदर जाने लगे। अंदर से बाई तरफ एक बहुत विशाल कुआं था जिसके अंदर से भाप निकल रही थी। उस कुएं के इर्द गिर्द ढेर सारे इंसानी और जानवरों के हड्डियों के कंकाल लटक रहे थे। यह दृश्य हमें और भी ज़्यादा भयभीत करने लगा। अब यहाँ आकर हमें सचमुच लग रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब हम समझ गए थे
कि इसके आगे चलकर तो और भी ज्यादा खतरनाक चीजों का सामना करना है। मन को थोड़ा समझाते हुए हम उस इंसान के पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए। जगह जगह मंत्र तंत्र का सामान रखा हुआ था, कहीं कहीं खून से सने हुए औजार भी बिखरे हुए थे। चारों तरफ एक बहुत ही मध्यी रोशनी वाली मशाल जल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आया, जिसे खोलने के लिए उस काले इंसान ने एक अलग स्वर में उस दरवाजे को खटखटाया। वह स्वर सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई पासवर्ड हो। एक अलग ध्वनि वाला स्वर बजते ही वह दरवाज़ा अचानक खुल गया और हमारे सामने जो दृश्य था उसे देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। हमने देखा कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बाल पकड़कर किसी तेज धार वाले हथियार से एक एक करके उसके शरीर के अंग काट रहा और वह इंसान दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा। ऐसा दृश्य देख मेरे अंदर इंसानियत जाग गई और मैं ऊंची आवाज में बोला, या क्या कर रहे हैं आप? क्या आपके हाथ थोड़े भी नहीं कांपते यह सब करते हुए? इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे, जब वह इंसान इतना दर्द में है, आपको उस इंसान पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा? मेरी ऐसी बात सुनकर वह इंसान बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया और मेरी कॉलर पकड़ मुझसे कहने लगा, ए कौन है रे तू? अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कौन लाया रहा इसको अंदर? बताऊं अभी अपनी तंत्र विद्या से क्या क्या कर सकता हूँ? इस तरह बोलता देख वह काला इंसान जो अभी अभी हमको वहाँ लेकर आया था, उस निर्दयी व्यक्ति से कानाफूसी करते हुए पूरी बात बताने लगा। पूरी बात सुनने के बाद वह इंसान विभोर के पास गया और उसे शाबाशी देते हुए कहने लगा, अरे विभोर, शाबाश मेरे चीते, मैं जानता था कि तुझे अगर कोई काम बोलूँगा तो उस काम को बखूबी से करेगा। उस इंसान को ऐसा बोलते सुन मैं और मिहिर एकदम दंग रह गए और विभोर की ओर देखते हुए बोले, विभोर ये सब क्या है और ये इंसान तुझे कैसे जानता है? क्या हो रहा है यह सब विभोर? हमारी यह बात सुनकर विभोर ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा, क्या बेवकूफ हो तुम दोनों, आज तक मैं तुम लोगों के साथ था और तुम दोनों में से कोई मुझे पहचान नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। मैं उत्तराखंड का नहीं बल्कि यही मयोंग का ही रहने वाला हूँ। तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, और यह जिनको तुमने अभी अभी अपमानित किया है ना, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई है, अच्छी वाली नहीं बुरी वाली। बुरी जमाने के लिए होगी लेकिन हमारे लिए यही हमारा धर्म है और हम इसका अपमान कभी नहीं सहते। विभोर की ऐसी बात सुन हम दोनों को हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया और हम उस पर गुस्सा करते हुए बोले, विभोर तू ऐसा कैसे कर सकता है रे? आज तूने हमारी दोस्ती का अपमान किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा जिगरी यार ऐसा भी कुछ कर सकता है। हाँ तो अब पता चल गया ना, बोलती बंद करो और वहाँ उस अधकटे इंसान के पास बैठ जाओ, क्योंकि इसके बाद हम लोग तुम्हारी ही बलि चढ़ाएंगे। उसके इस बात पर हमारा खून खौल उठा और हम विभोर का कॉलर पकड़ उसे पीटने लगे। तभी एक तेज शक्ति ने हमें दूर फेंक दिया। अभी भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम दोबारा उठे और विभोर की ओर बढ़े। इतनी देर में उस निर्दयी व्यक्ति ने मिहिर को कसकर पकड़ लिया और उस पर इंसान के शरीर की जली हुई राख डालकर कोई मंत्र का उच्चारण करने लगा और कुछ ही देर बाद मिहिर का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया। जैसा जैसा वे लोग बोलते वैसा वैसा वह करते जाता। उन दुष्ट लोगों ने मिहिर को अपने वश में कर लिया था। अब मेरी बारी थी, वे लोग अब मेरी तरफ बढ़े, मगर मैंने खुद को बचाने के लिए उन पर वहाँ पड़े औजार फेंक दिए और वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। जैसे जैसे मैं बाहर निकलते गया वैसे वैसे वह हवा में उड़ती काली परछाई मेरा पीछा करने लगी और मुझे डराने लगी। उस वक्त मेरी हालत बद से बदतर हो चली थी।
भागते वक्त पहले ही उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया था, और वह या घूम रही काली परछाई भी अपना प्रहार मुझ पर लगातार किए जा रही थी। लेकिन बिना हिम्मत हारे मैं वहाँ से बचते बचाते निकल गया। मगर सिर्फ मेरा निकलना काफ़ी नहीं था, मेरा दोस्त मिहिर अभी भी उस जगह फंसा हुआ था। उस वक्त मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एक जगह मैं बैठ जोर जोर से रोने लगा। यही सोचने लगा कि विभोर, जिसको हमने अपना सच्चा दोस्त माना, जिसके साथ हर चीज़ की, जिसे दोस्त से बढ़कर भाई का दर्जा दिया, आज उसने छल करके मुझे और मिहिर को हमारी बलि चढ़ाने ला दिया। यह सोच सोच कर बुरा तो लग रहा था, आंसू भी बह रहे थे, लेकिन गुस्सा भी अधिक आ रहा था। मगर उस वक्त मैंने सिर्फ भगवान का नाम लिया और फिर से उस नरक में अपने दोस्त को बचाने चल दिया। मुझे आता देख वो काली परछाई फिर से मुझ पर टूट पड़ी, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए बिना डरे मैं उस दरवाजे के समीप गया और बिल्कुल उसी स्वर में दरवाज़ा खटखटाया जैसे उस काले इंसान ने किया था। थोड़ी ही देरी में दरवाज़ा खुल गया और अब मेरे सामने मिहिर उस जगह बैठा हुआ था जहाँ थोड़ी देर पहले किसी इंसान को काटा जा रहा था। मैंने देखा कि उस कटे इंसान की बलि चढ़ा दी गई है और सभी लोग पास के कमरे में उसी कटे इंसान का भोजन कर रहे। मैं बिना वक्त गंवाए तुरंत मिहिर के पास गया और उसे चलने को कहा, लेकिन यह क्या, मैंने देखा कि मिहिर कुछ जंजीरों से बंधा हुआ बेहोश पड़ा है। मैंने तुरंत एक नुकीला औजार लेकर वह जंजीर खोलने का प्रयास किया, तभी जंजीर खुल गई और मैं मिहिर को कंधे के सहारे उठाकर बाहर निकलने लगा। मुझे बाहर निकलता देख वह काला इंसान जोर से चिल्लाया, ऐ कहाँ ले जा रहा उसे, रुक। जैसे ही मैंने यह आवाज़ सुनी वैसे ही मैंने अपने कदम तेज कर लिए, मगर अब तक वहाँ सभी लोग मौजूद हो गए और हमारे इर्द गिर्द खड़े होकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। यह देख मैंने उन सब पर राख फेंक दी, जिस वजह से वे लोग अपने मंत्र पूरा नहीं कर पाए और लगे आंखें मसलने। इतनी देर में मैं तुरंत मिहिर को कंधे पर लाद कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। उन लोगों ने और कई काली परछाइयों ने हम पर बहुत प्रहार किया, हमें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर भगवान का नाम लेते हुए मैं बस बिना रुके चलता गया और कुछ ही देर बाद मेरी मेहनत रंग लाई। मैं मिहिर को उस नर्क से निकालने में कामयाब हो गया। मैं मिहिर को कंधे पर लाद कर तब तक चलते गया जब तक कि हमने वह लाल बोर्ड पार नहीं कर लिया, और पार करते ही वहाँ जितने लोग थे वे सब हमारी ऐसी हालत देख इकट्ठा हो गए। उस भीड़ में वो इंसान भी शामिल था जिसने हमको चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उसकी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अभी मैं उन लोगों को हमारी हालत के बारे में बताता कि तभी वो लोग अपने आप सब कुछ समझ गए और एक घर के अंदर हमें ले जाकर तंत्र मंत्र से हमारा इलाज करने लगे। कुछ ही देर में मैं और मिहिर एकदम पहले के जैसे ठीक हो गए और वहाँ के लोगों को धन्यवाद बोलकर और उस इंसान से माफ़ी मांग कर मयूंग गांव से बस पकड़कर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। दो दिन बाद हम लोग दिल्ली में थे और इस हादसे को याद करके विभोर के बारे में सोच रहे थे। तब से हमने कसम खा ली कि ऐसी कोई जगह भूल कर भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जाएंगे, और अगर दोस्त भी बनाएंगे तो सावधानी से बनाएंगे।